गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड डियर स्टूडेंट्स आज हम लेसन नंबर फर्स्ट का रिविजन uh, करेंगे क्योंकि हमने लेसन सलेबस यू थ्री का सेलेबस कल ही ख़त्म किया तो आप लोग हम आप रिविजन uh, करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट से uh, और uh, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे घर पे uh, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम जो है वो सिक्स सक्टम्बर से स्टार्ट हो रहा है तो अच्छे से प्रिपेयर करना ठीक है ए पार्ट टिक करेक्ट आंसर फर्स्ट है टू अवॉइड एक्सीडेंट यू मस्ट आपको एक्सीडेंट से अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए बी पार्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स जो भी सेफ्टी रूल्स होता है चाहे गेम का चाहे काम का जो भी सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए तब जाके आप एक्सीडेंट से बच जाएगा ठीक है सेकेंड यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ़ यू टच आ अगर आप एक इलेक्ट्रिक ये करेंगे इलेक्ट्रिक uh, से आप क्या करेंगे इलेक्ट्रिक शौक यू मे यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ़ यू टच आ अगर आप आपको इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है अगर आप क्या करेंगे किस से टच करेंगे इफ़ यू टच ए स्विच विद ए वेट हैंड अब गीले हाथ से किसी स्विच को अगर हम आप टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है ठीक है थर्ड है फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन फर्स्ट एड जो है वो एक इंजर्ड पर्सन को हमें कब देना चाहिए शुड बी इमीजिएटली जल्दी से उसको फर्स्ट एड देना चाहिए ठीक है फोर्थ है डस्टबिन शुड बी किप कवर्ड टू किप अवे हाउस फ्लाई जो हाउस फ्लाइज होते हैं हो, वो ना आए इसीलिए हम इसको डस्टबिन को क्या करते हैं उसको कवर करके रखते हैं फिफ्थ द रूम इन अ हाउस शुड बी एरी एंड वेल लीड हमारे घर के जो रूम्स कमरे होते हैं उनमें एरी हवा आने का जगह हीट यानी सन के रेज आने की जगह अच्छे से होना चाहिए ये हो गया अब बी बात देखिए यहाँ पे बी uh, पार्ट तो आप लोगों को पता है बी पार्ट कैसे करना है आप लोग ये खुद करेंगे मैंने पहले भी किया है आप क्वेश्चन करेंगे सी पार्ट आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टू सेफ्टी रूल यू मस्ट रिमेंबर वेल वॉकिंग ऑन द रोड आपको क्या करना है टू रूल्स बताना है सेफ्टी रूल्स जो हम यू मस्ट रिमेंबर आपको हाँ मतलब याद रखना है कि हमें रोड पे चलने के टाइम के हमें याद रखना है वो दो सेफ्टी रूल्स हमें बताना है तो मैंने दिया है और आप लोगों ने कॉपी पे भी अच्छे से लिखा होगा अभी आपको क्या करना है इनको अच्छे से लर्न करना है ठीक है तो टू सेफ्टी रूल्स डेट मस्ट रिमेंबर वेर वॉकिंग ऑन दी रोड और ए पाथ वॉक ऑन दी फुटपाथ आर ऑन साइड ऑफ द रोड हमेशा आपको फुटपाथ से चलना है या रोड की जो सेफ साइट होगा उसी साइड से आप लोगों को चलना होता है ये एक रूल है सेफ्टी रूल सेकेंड है क्रॉस द एट द जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होगा उसी पे आपको क्रॉस रोड क्रॉस करना है ये भी सेफ्टी रूल है ठीक है अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको क्या पूछ रहे हैं वाइट शू थिंग्स लाइक टॉयज बेगस एंड शूज नोट बी लेफ्ट ऑन द फ्लोर फ्लोर पे इन चीज़ों को जो यहाँ पे दिया है उनको फेंक क्यों नहीं रखना चाहिए बिकॉज इट मे हर्ट सम वेरी बेटली बिकॉज क्योंकि ये चीज़ें जो है किसी को बुरी तरह से मतलब हर्ट कर सकते हैं ठीक है ठीके? इनके ऊपर स्लिप हो कि इसको किसी को हर्ट हो सकता है तो हमें ऐसे च, अपने इस पर फेंक के नहीं होना चाहिए ठीक है थर्ड है वाई डू वी नीड अ हाउस हमें घर की क्यों जरूरत होते हैं बिकॉज ए हाउस किप आर सेफ फ्राम द हीट ऑफ द सन द कोल्ड एंड इन द रेन एंड द रेन इन द स्ट्रोम क्योंकि हमारे घर जो है हमें सेफ रखता है सन की हीट की वजह से हीट से कोल्ड से ठंड से बारिश से और तूफान से हमें बचा के रखते हैं इसीलिए हमें घर के ज़रूरत होते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है राइट एनी टू फ्यूचर ऑफ़ ए गुड हाउस एक अच्छे घर का दो फ्यूचर हमें देखना है कैसे होना चाहिए एक गुड हाउस ठीक है टू फ्यूचर्स ऑफ ए गुड हाउस आर देखिए फर्स्ट द रूम इन हाउस शुड बी एरी एंड वेल लीड ये एक अच्छे घर का एक फ्यूचर है जो क्या होना चाहिए एक एरी और वेल लीड अगर होगा ये एक फ्यूचर है गुड हाउस का ठीक है सेकेंड है डोर्स एंड विंडोज़ शुड बी फिट विद द एर नेटिंग टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्कीटोज़ अवे हमारी जो डोर्स uh, और विंडोज़ जो है उस वो अवैर नेटिंग करके होना चाहिए ताकि वहाँ से फ्लाइज मक्खी ना आ जाए मच्छर ना आए इसीलिए हमें हमारे डोर्स और विंडोज़ को क्या होना चाहिए वैर नेटिंग करके होना चाहिए ये भी एक गुड हाउस का एक फीचर है ठीक uh, है आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पूछ रहे हैं वेर टू मास्कीटोज ब्रीड मास्कीटोज कहाँ पे ब्रीड करते हैं यानी कहाँ पे अपने बच्चे पैदा करते हैं मास्कीटोज ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन आर इन ए डी वाचर देट कलेक्ट नियर द हाउस मास्कीटोज जहाँ पे ड्रेन्स अनकवर्ड होगा जहाँ पे गंदे चीज़ें या गंदे पानी ऐसे ही कवर करके नहीं ऐसे ही रखे होंगे कवर करके नहीं होंगे वहाँ पे जाके मास्कीटोज क्या कहते हैं ब्रीड करते हैं ठीक है ठीके? तो ये है क्वेश्चन अब लोगों को क्या करना है कोश्चिन्स अच्छे से लर्न करना और ये टिक द करेक्ट आंसर बी ए बार इसको भी अच्छे से लैंड करना ठीक है तो आज हम इतना ही करेंगे थैंक यू